ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना फ्रंट योजना के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिवर फ्रंट के कार्य की गति धीमी होने की शिकायत मिली थी, उसका अवलोकन किया गया है। काम में थोड़ा सा बताया गया था, यहाँ हमारे जो स्थानीय लोग हैं कि काम में थोड़ी रुकावट आई है और काम की गति थोड़ा धीमी है, इसलिए मैं यहाँ आया था। अब देखा है काम की प्रगति ठीक है और करीब 2000 में से 1600 मीटर पर काम हुआ है, 400 मीटर का काम बाकी है, वो भी कम्प्लीट हो जाएगा 30 जून तक। इसी मौके पर श्रीकांत शर्मा ने यमुना के घाटों और ब्रिज के विकास में डेवलपमेंट पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मथुरा से मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी।